शफक, तुम क्या, वो सब खैरियत है ना? तुम रो क्यों रही हो? नहीं उर्फी, खैरियत नहीं है, माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि उनको और मजीद दिनों के लिए एडमिट करना पड़ेगा, तो आप किसी को बुला लें। मुझे समझ नहीं आई और इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर लिया। अच्छा अच्छा, तुम रो नहीं, मैं आ रहा हूँ। कौन से अस्पताल में? जनरल हॉस्पिटल। मैं आ रहा हूँ। शफक, क्या हुआ खाला को? उनकी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अम्मा को कुछ हो गया तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी। कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और तुम रो क्यों रही हो? जानती हो ना, तुम रो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मिल सकता हूँ खाला से? नहीं, डॉक्टर्स ने कहा है कि वो कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे, 2-3 दिन रखेंगे हॉस्पिटल में। शफक, तुम घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। सभी एक रिश्ता टूटा है मुझे, लेकिन दूसरा रिश्ता तो है ना। तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ूंगा। लाओ मैं ये दवाइयां ले आता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हारे यहाँ जाना काफी है मेरे लिए। क्यों कह रही हो ऐसे? ये खाला है मेरी, और ये हकीकत कभी नहीं बदल सकती। दो मुझे ये, मैं दवाई लेके आता हूँ। तुम बैठो, मैं ला रहा हूँ। Thank you.